नमस्कार, मैं राहुल भोज स्वागत करता हूं आपका चैनल टेली खजाना में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो धनाधन कर लीजिए, क्योंकि आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप लोग भी कहेंगे कि भाई वाह, ऐसा भी हो सकता है क्या, वो भी इंडिया में। दोस्तों, ये बात तो हम सबको पता है कि पठान शाहरुख खान एक इंटेलिजेंट व्यक्ति है, एक ऐसे व्यक्ति है जो कि अपनी फिल्मों के द्वारा अपने इंटेलिजेंस को बताते रहते हैं। उनकी आप जीरो देख लीजिए, टेक्निकल एस्पेक्ट पे क्या रिच फिल्म थी। उनकी आप जो है फैन देख लीजिए, वीएफएक्स अमेजिंग, रावण देख लीजिए जिसकी चर्चा अब आज के दिन 2022 में हो रही, 2011 की फिल्म लेकिन 2022 में हो रही है, और वो भी आदि पुरुष से जो कि 500 करोड़ ही बजट की है, और रावण बेचारी का तो इतना भी बजट नहीं था। शाहरुख साहब ने दिल खोलकर अब सरकार को एक बात बोली है, चीख निकल पड़ी है शाहरुख साहब की, पठान साहब की, और बोल डाली है मर्द और औरत बराबर। भाई वाह, ये बात तो हम जानते हैं दोस्तों कि अभी रिसेंटली जय शाह जी ने, जो कि बीसीसीआई के चेयरपर्सन है, उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला किया है क्रिकेट में कि भाई जितना विराट कोहली कमा रहा है उतना ही कोई भी महिला क्रिकेटर कमाएगी जो उसकी काउंटर पार्ट होगी। जितना अगर कोई भी ऋषभ पटेल पंत कर रहा है, ऋषभ पंत अमाउंट कमा रहा है, उतना ही उसकी काउंटर पार्ट कोई होगी वो उतना ही कमाएगी। जी हाँ दोस्तों, क्रिकेट में एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए, मर्द औरत के भेदभाव को। अदरवाइज क्या होता था ना कि मर्दों को इतनी तनख्वाह मिलती थी और औरतों को बेचारी को इतनी मिलती थी, जबकि खेल तो बराबर है, मेहनत बराबर है, और लड़कियां तो बहुत अच्छा खेलती है हमारे देश की। तो ऐसे में यहां पर दोस्तों अगर बात की जाए तो जय शाह जी ने एक बहुत बड़ा फैसला बताया और उन्होंने कहा कि हम क्रिकेट से डिस्क्रिमिनेशन को निकाल फेंकेंगे, हटा देंगे। जिस पर शाहरुख साहब ने खुशी से, दोस्तों आपको बता दूं तो एक बात बोली है कि क्या फ्रंट शॉट खेला है आपने। जी हाँ, जय शाह जी के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए उन्होंने कहा है कि इससे अब कहीं ना कहीं समाज में चेतना बढ़ेगी और इससे अब कहीं ना कहीं लोगों को और भी आगे आने का मौका मिलेगा, पता चलेगा कि हमारे इंडिया में किस तरीके से चीजें होती हैं। भाई वाह, पठान साहब की सोच बहुत प्रोग्रेसिव है, ये बात तो हम सबको पता है। शाहरुख खान जो है वो लड़कियों की जितनी रिस्पेक्ट करते हैं उनके हक के लिए भी वो बात करते हैं, तभी तो उन्होंने मीर फाउंडेशन, पता है ना आपको, उनकी मीर फाउंडेशन है जहाँ पे जो एसिड विक्टिम हुए उनका प्लास्टिक सर्जरी होता है, उसके बाद शाहरुख साहब ने उनका एक बतौर एक फैशन शो भी कराया था जिसमें वो शो स्टॉपर बने थे, और वो लक्ष्मी जी जो हैं जो जिनके ऊपर छपाक फिल्म बनी है तो उनको उन्होंने स्टेज पे रैंप पे अपने साथ वॉक भी करवाया था। तो ये बात तो हमने देखा है कि जब जब नारी के सम्मान की बात आती है, अधिकार की बात आती है, शाहरुख साहब हमेशा आगे बढ़े हैं। तो ऐसे में शाहरुख खान साहब ने सरकार की तारीफ करी है और जम के बोल दिया कि भाई वाह क्या फैसला लिया है। आपको क्या है कहना, कॉमेंट करके जरूर बताएं। बने रहें चैनल के साथ, देखते रहें आपका फेवरेट चैनल टेली खजाना। मुझे इजाजत दें।